सांस्कृतिक महत्व क्यों? क्योंकि जिस वचन का चुनाव हमने पुराने नियम से किया है वो है भजन संहिता 138 वचन 2। वहां पे दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी मंदिर की ओर मुड़कर तुझे दंडवात करता हूँ, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व या महिमा दी है। वो परमेश्वर के हृदय की बात दाऊद यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से बताता है कि हम जिस खुदावन की इबादत करते हैं, हम जिस खुदावन के बच्चे हैं, वो खुदावन अपने बड़े नाम से अधिक, अपने बड़े काम से अधिक, अपने बड़े सामर्थ्य से अधिक, अपनी बड़ी सेवकाई से अधिक, वो परमेश्वर उसके वचन को अधिक महत्व देता है। इसलिए एक बार उसके मुंह से जो आशीष निकल गई फिर वो आशीष बनकर ही आती है, अगर शाप बनकर निकला है तो शाप ही बनता है। इसलिए परमेश्वर जिस खुदावन की हम इबादत करते हैं उस खुदावन को अगर हमें जानना है तो उसको जानने के लिए निश्चय लोग दर्शन देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, भविष्यवाणियां सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए ये प्रेम पत्र जो होली बाइबल हमें दिया गया है, हम अगर उसमें अगर समय बिताएंगे और उससे अगर समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो परमेश्वर कैसा है। क्योंकि यीशु मसीह की तुलना वचन के साथ की गई है कि आदि के आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के संग था, सब कुछ वचन के द्वारा हुआ और वही वचन वही शब्द मरियम के पेट में देहधारी हुआ। तो जब आप वचन को देखते हो तो आपको वचन में यीशु मसीह दिखना चाहिए, और अगर आपके जीवन में आप वचन को महत्व अधिक देते हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो तुम्हारे और मेरे लिए 2021 साल पहले मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, पिता की दाहिनी ओर बिठाया गया, मेरे और तुम्हारे लिए आने वाला है, हम उसको महत्व देते हैं। आज बहुत ही दुख भरी बात है कि आज मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है, चिन्ह चमत्कार पाता है, चंगाई बरकत पाता है, भविष्यवाणियां पाता है, लेकिन ये सारी भौतिक बातें प्राप्त होने के बाद वो मनुष्य जिसके द्वारा उसे मिला है उसे बहुत ही इजीली भूल जाता है। इसीलिए परमेश्वर के दृष्टिकोण में अगर आप मुझे पूछेंगे कि किसे अधिक अहमियत है या किसे अधिक महत्व है या किसे अधिक परमेश्वर आदर देता है, तो उसका सीधा जवाब यह है कि जो उस परमेश्वर के समान काम करता है या व्यवहार करता है या बिहेवियर करता है वो परमेश्वर उसे अधिक महत्व देता है। कि वो परमेश्वर क्या करता है, तो वो परमेश्वर भजन संहिता 138:2 के अनुसार अपने बड़े नाम से अधिक, अपने बड़े काम से अधिक, अपने बड़े स्वर्ग से अधिक, स्वर्गदूतों से अधिक, संतगणों से अधिक, अपने बड़े चिन्ह चमत्कार से अधिक वो परमेश्वर अपने वचन को अधिक महत्व देता है। अगर ऐसा परमेश्वर, ऐसा कौन सा बाप है जिस तरीके से उसने वो मुकाम हासिल किया है, आप उसका बेटा या उसकी बेटी भी उस तरीके से वो मुकाम को हासिल करने का जब यत्न या प्रयत्न करते हैं तो वो बाप को खुशी मिलेगी। अगर वो बच्चे अगर बाप के खिलाफ जाते हैं तो वो बाप नाखुश होगा, नाराज होगा, असंतुष्ट होगा, अप्रसन्न होगा। इसलिए परमेश्वर को अगर जानना है तो उसके वचन से जानो, क्या है उसकी मर्जी। सिर्फ गीत गाकर नहीं होने वाला, हम गीत गाते तेरी इच्छा पूरी हो जाए, अरे उसकी इच्छा समझने के लिए उसका दिया गया ये प्रेम पत्र हमें पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देने के लिए जो प्रारंभ की कलीसिया थी अर्ली चर्चेस में कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने इस पवित्र शास्त्र बाइबल को हिब्रू या ग्रीक में से भाषांतर किया, ट्रांसलेट किया, तो उनको जिंदा जला दिया गया। उन्होंने अपनी जान से अधिक, उन्हें पूछा गया था बाइबल का इंकार करो,
तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन उन्होंने अपनी जान से अधिक खुदा के कलाम को अधिक महत्व दिया, इसीलिए आज के डेट में हमारे पास ये बाइबल है। भले इंसान, भले अन्य जाति, भले मसीह विरोधी इसे कितना भी बड़े पैमाने में जलाए, लेकिन ये केवल एक पेपर है। लेकिन खुदा के वचन जो हजारों सालों से उसने बोले गए, लिखे गए, जो सारी दुनिया में फैले गए हैं, अगर जो कोई उसे महत्व देता है तो उसके जीवन में उसके लिए कुछ महत्व नहीं है। आज के डेट में हम रिश्ते नातों को महत्व देते हैं, आज के डेट में हम हमारे सक्सेस को महत्व देते हैं, कुछ लोग अभी से अपने फ्यूचर को महत्व देते हैं, अपने करियर को महत्व देते हैं। लेकिन कितने हैं जो इन सब बातों से अधिक परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देते हैं। वचन को महत्व देना मतलब वचन का परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार जीवन जीना, फिर मुझसे कोई खुश हो या ना खुश हो। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर का एक दास पौलुस, उसके जीवन से कुछ बातों जब मैं अध्ययन करता हूं तो पौलुस उसके जीवन में बहुत जबरदस्त बात कहता है। अब वो बात ये है, तेसलों की किताब में ये बातें पौलुस हमें बताता है। अब वो बात समझने के लिए आपको पहला तेसलियो उसका दूसरा अध्याय और वचन 3 से लेके आगे वो कहता है, क्योंकि हमारा उपदेश ना तो भ्रम से है और न अशुद्धता से है और न छल के साथ है। इन दिनों में बहुत सारे उपदेश वचन को मिक्सचर करते हुए, लोगों को गुमराह करते हुए, भरमाते हुए उन्हें भ्रमित किया जाता है। आप कुछ लोग गलत डॉक्ट्रिन पेश करते हुए लोगों को अशुद्धता में ही रहने देते हैं। कुछ लोग छल के साथ केवल प्रॉस्पेरिटी आने के लिए प्रॉस्पेरिटी टीचिंग के ऊपर बात करते हैं। लेकिन 4 वचन में कहता है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा है हम वैसा ही वर्णन करते हैं। आगे, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। इंग्लिश में दिया है, आवर पर्पज इज प्लीज टू गॉड नॉट पीपल। आज उस पीपल में या उन लोगों में क्या मेरे रिश्ते नाते हैं? क्या मैं खुद उसमें हूं कि मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए? फिर परमेश्वर के वचन की धज्जियां उड़ने दो। फिर परमेश्वर को आप पसंद आए या ना आए, कैसा जीवन है मेरा? मुझे आपको बताने, अगर आपके जीवन में वचन को अधिक महत्व देते हो आप जब जियोगे ना, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको वो अनुभव मिलेगा जो यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी सूली उठाकर अपने आप का इनकार करते हुए मेरे पीछे हो ले, उसे ही चेला बनने का अधिकार मिलता है। ये सूली उठाना मतलब यीशु मसीह के जैसे उस लकड़ी को उठाना नहीं है, सूली को उठाना मतलब वचन के लिए जीते वक्त जब मेरे रिश्ते नाते, मेरे बच्चे क्यों ना हो, मेरी पत्नी क्यों ना हो, मेरे अच्छे अजीज दोस्त यार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो वचन के खिलाफ मुझे लेकर जा रहे हैं, खुदा की मर्जी के खिलाफ लेकर जा रहे हैं, तो मुझे वो रिश्ते से अधिक, मुझे खुदा के रिश्ते को निभाने के लिए मुझे वचन के अनुसार जीवन जीना होगा, वचन के अनुसार चलना होगा। और यही त्यागमय जीवन खुदावन चाहता है। ऐसे कितने लोग, इतने महान पुरुष, महान सेवक सेविका होकर गए जिन्होंने वचन के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी, जिन्होंने सेवकाई के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। और परमेश्वर, मैंने कहा कि किसका आदर करेगा? खुदावन उसका आदर करेगा जो उसके अनुसार चलता है। और वो परमेश्वर भजन संहिता 138:2 में अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व देता है। अगर आप आपके जीवन में आपके काम से अधिक, आपके बड़े नाम से अधिक, आपकी धन दौलत से अधिक, आपके रिश्ते नाते से अधिक, आपके समाज की इज्जत से अधिक, आपके बड़े अहदे से अधिक, अगर इन दिनों में अगर आप परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देते हो, तो मैं आज डंकी की चोट पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दृष्टिकोण में आप परमेश्वर के राज दुलारे ठहरोगे। आमीन। आज
बहुत सारी बकवास बातें हमारे आसपास आ रही है। ये सोशल मीडिया जैसे मसीह लोगों ने किडनैप किए जैसा उसको यूज किया जा रहा है। कल इतवार है, सप्ताह का पहला दिन, पुनरुत्थान का, पेंटिकॉस्ट का सामर्थ्यशाली दिन। कल बहुत सारी कलीसिया इस सोशल मीडिया पे लाइव में आएगी। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक को कैप्चर करके रखा है, लेकिन क्या आज वो सोशल मीडिया के द्वारा, अगर मैं जिस वचन को सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, क्या उसके द्वारा मेरे जीवन में मैं अपने आप को महत्व दे रहा हूँ, धन दौलत को महत्व दे रहा हूँ, रिश्ते नाते को महत्व दे रहा हूँ, या मैं सभी बातों से अधिक वचन को महत्व दे रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी का एक पैटर्न है, पहले महत्व परमेश्वर उसके वचन को, दूसरा महत्व परमेश्वर के साथ रिश्ते को, तीसरा महत्व परिवार, चौथा महत्व कलीसिया। आप कहेंगे कलीसिया आखिर में क्यों आया? पहली कलीसिया आपके घर में, पहला चर्च आपके घर में, फिर बाद में हमारा बनाया हुआ इमारत का चर्च। आमीन, हालेलुया। क्या आज इस पैटर्न में मेरा आपका मसीह जीवन है? अगर नहीं है तो आज आपको कहीं ना कहीं आप जिन जिन बातों को महत्व दे रहे हैं, जो महत्व वचन को मिलना चाहिए, जो महत्व परमेश्वर को मिलना चाहिए, आइए उन बातों के बारे में जांच कीजिए और खुदावन के लिए, उसके वचन के लिए जीवन जीने के लिए शुरुआत कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन जीवित और क्रियाशील है। ये वचन आपके जीवन में आपको गलत राह से, जो आपको शायद दुष्ट भरमाएगा, वहां से एक अच्छी रोशनी देकर एक पवित्र राह पे लेके जाएगी। बहुत सारे लोग आज इन दिनों में फिर से एक बार उसी ख्यालों में आ गए, क्योंकि अभी मौत का मातम, मौत का तांडव कम हुआ है, इसलिए आज फिर से एक बार इंसान की फितरत है कि वो पुराना भूल जाता है, आप परिस्थिति को भूल जाता है। फिर से एक बार लोग मनी माइंडेड हो गए, फिर से एक बार लोग परिवार वाले हो गए, फिर से एक बार लोग अपने स्वार्थ और अपने मतलब के बन गए। लेकिन इन परिस्थितियों में खुदावन खोज रहा है कि कौन है वो दाऊद के समान जो परमेश्वर की पहचान करके देता है कि मैं उस खुदा को जानता हूँ जो अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है, और मैं भी उसके जैसा ही जीऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैं इसहाक की ओर आपको लेके जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक घटना बताना चाहता हूँ। आप सभी को वो चमत्कार पता है, वो घटना पता है, जब पौलुस और सिलास को गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करने के बाद जब रात के समय उन्होंने प्रार्थना की, आराधना की, उन्हें बंदी खाने में रखा गया था, मतलब बंदी गृह के अंदर एक बंदी खाना होता है उसमें रखा गया था, उनके हाथों में बेड़िया, पैरों में वो लकड़ियों के वो औजारों के साथ, उसे जिस तरीके से पूरी तरह से ताला लगाया गया था पैरों में, शरीर जख्मी था, जख्मों पर नमक छिड़का गया था, और ऐसी बुरी हालात में उन्होंने आराधना की। बाइबल कहती है कि जेल की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए, और सभी के बंधन, जो हथकड़ियां थी, जो सकलियां थी, वो टूट गई। और ये चमत्कार की बात आपको पता है कि वो जेल का जेलर डरते हुए कांपते हुए आता है और कहता है कि मेरा उद्धार हो, इसलिए मैं क्या करूं। तो पौलुस और सिलास कहते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास कर, यीशु मसीह पर ईमान रख, ताकि तू और तेरे घराना उद्धार पाए। अब उसके बाद वो जेलर पौलुस और सिलास को अपने घर लेकर जाता है। अब घर जाने के बाद हम उस घटना को देखते हैं, क्या हुआ वहां पे। बेरितो का किताब 16 दिया है और वचन 30 से आगे, 16:30। अब उन्हें बाहर लाकर कहा, है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। क्या सुनाया? उन्होंने अपने अभिषेक के बारे में चर्चा नहीं की। देखो, हमने प्रार्थना की, बंधन टूट गए, आज के चर्चेस क्या कर रहे, आज के पासवान क्या कर रहे। एक चमत्कार होता है तो जनवरी का चमत्कार अगले जनवरी तक उसके ऊपर एक बिजनेस किया जाता है, अलग अलग जगह पे शेयरिंग किया जाता है, और उस चमत्कार के पीछे, उस भविष्यवाणी के पीछे
खुदा के वचन को ऊंचा उठाया नहीं जाता है तो उस चमत्कार उस भविष्यवाणी के द्वारा अपने आप को महिमा दी जाती है कि मैं कैसे बढूं, लोग ज्यादा 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 से ज्यादा मेरी ओर कैसे आकर्षित होंगे। बाइबल कहती है जिन्होंने जेल की नींव को हिलाया, अपने साथ साथ बाकी कैदियों के बंधन को तोड़ने का कारण बने, वो उन्होंने जेलर अब उसके घराने को परमेश्वर का वचन सुनाया, अपनी डिंग नहीं मारी। आज डिंग मारने वाली बड़ी भीड़ है ऑनलाइन में, मैं फलाना, मैं ये, मेरी ये सेवका है, मेरा डिफरेंट कॉलिंग, मेरे पास ये टीचिंग है, 99.99% सारे गलत लोग है, 10% जो लोग है उसमें मैं हूँ और मैं खरी शिक्षा देता हूँ, ऐसी बड़ी भीड़ आज पैदा हो गई है। लेकिन पौलुस और सिलास जिनके द्वारा यह अद्भुत काम हुआ, उन्होंने डिंग नहीं मारी, उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर कौन सी बात से खुश होगा, उनकी व्यक्तिगत गवाही से नहीं तो खुदावन परमेश्वर के वचन से खुश होगा। इसलिए जेलर के परिवार को परमेश्वर का वचन सुनाया गया और इसलिए बाइबल कहती है कि उन्होंने विश्वास किया और उसी रात जेलर और जेलर के परिवार को सिलास और पौल ने उन्हें वहां पे बपतिस्मा दिया। आमेन, हालेलुया। वचन काम करता है, वचन जीवन देता है, वचन अनंत जीवन देता है, वचन परिवर्तन लाता है। आज वचन की अहमियत इंसानों ने चुरा ली है, वचन के महत्व को सेवकों ने बटोर लिया है, वचन का महत्व आज आराधकों ने चुरा लिया है और आज वचन का महत्व आराधना पैटर्न को चला गया है, वचन का महत्व भविष्यवाणियों को चला गया है, वचन का महत्व चिन्ह चमत्कार को चला गया है। बाइबल का परमेश्वर उसका पुत्र कहता है ये संसार में आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। जो टिकाऊ है उसके पीछे चलो, जो बिकाऊ है उसको छोड़ दो। इन दिनों में ये बातें हमें समझनी होगी। अब वचन में क्या है मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, शायद आपको वो बात भले ही बोरिंग लगे लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। वचन में चार बात है, वचन में आज्ञा पालन है, आज्ञा है। नंबर एक, वचन में अभिवचन या प्रतिज्ञा है, वचन में परमेश्वर की मर्जी है, उसकी इच्छा, वचन में परमेश्वर का काम है। जब आपके पास वचन आएगा आज्ञा पालन के हिसाब से, तो आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आपके हृदय में आपने एक वचन रखा है जो वचन कहता है, परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे आप पवित्र बनो। ये वचन आपके हृदय में है और सडनली आपके सामने अगर आप स्त्री हो तो पुरुष का कुछ गलत आकर्षण आता है, या पुरुष हो तो आपके सामने गलत स्त्री का आकर्षण आता है। अब ये बातें आपकी आंखों को और आपके हृदय को मलिन करने से पहले वचन अंदर से आपको कोसता है, आपको कहता है परमेश्वर पवित्र है, तेरा शरीर उसका मंदिर है। और अगर हम वचन को महत्व देते है और ये अपने आप को बताते है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर को मैं किसी गलत विचारों से मलिन नहीं करूंगा, तब क्या होता है, वचन को महत्व देने की वजह से आप व्यभिचार के पाप से बचोगे। आमीन, हालेलुया। बहुत जरूरी है बात। और वचन में जब इस आज्ञा का पालन हम करते हैं, वचन में अभिवचन प्रतिज्ञा या प्रॉमिस है, जब परमेश्वर की सेवकाई करते वक्त परमेश्वर हमें कुछ प्रतिज्ञा देता है, वो प्रतिज्ञा केवल अब्राहम इसहाक याकूब के लिए नहीं है, आज की डेट में हमारे लिए। उसने मुझे पूछ नहीं तो सिर बनाया है, भले आज मेरे हालात कुछ भी हो लेकिन उस प्रतिज्ञा को लेकर खुदा के पीछे चलो, एक समय आएगा वो आपको मुझे कूड़े से उठाकर सरदारों की बैठक में लेके जाएगा। वो प्रतिज्ञा का परमेश्वर है जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी किए सिवाय शांत और चुपचाप बैठता नहीं है। यह है दूसरी बात। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की मर्जी है, इसीलिए यीशु मसीह जब संसार में आया तब फरीसियों को क्या कहता है, मैं खुदा का कलाम, परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर का काम करने आया हूँ। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की मर्जी है, मर्जी ये कि मेरे बेटे बड़े हृदय से क्षमा कर दे, मेरी बेटी बड़े हृदय से क्षमा मांग ले, उसमें मर्जी है। और परमेश्वर के वचन में काम क्या है,
परमेश्वर का काम, अगर खुदा का आत्मा हमको अगुवाई करता है मेरे काम के लिए, किसी व्यक्ति को सुसमाचार बताने तो सुसमाचार बता, किसी व्यक्ति के लिए दुआ कर दे तो जाके दुआ कर, किसी व्यक्ति को अगर हेल्प कर दे तो जाके हेल्प कर, ये वचन की चाल बातें। लेकिन हम पुराने नियम से देख रहे कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के बाद, उसकी वाणी को सुनने के बाद, जब वो कसदियों का ऊर अपना देश अपना मुलुक छोड़कर जब वो परमेश्वर के पीछे चला तो उत्पत्ति 12 में उसके लिए प्रतिज्ञा आई, मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तू अब्राहम नहीं तू अभी अब्राहम होगा, तेरी पत्नी सारा ही नहीं तो सारा होगी। और बाइबल कहती है अब्राहम और सारा इन दोनों ने प्रतिज्ञा देने वाले को सच माना, इसलिए नामुमकिन बातें बुढ़ापे में उनके लिए मुमकिन हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा को अपने जीवन में लोगों के तानों से अधिक, लोगों के आने वाली गलत बातों से अधिक, अपने बुढ़ापे से अधिक उन्होंने वचन में मिली हुई प्रतिज्ञा को अधिक महत्व दिया, इसलिए उनके जीवन में इसहाक का मतलब आनंद खुशी उनके जीवन में आई। अगर आपको परमेश्वर की ओर से आने वाला आनंद चाहिए तो सभी परिस्थितियों से अधिक, आपके दुख से अधिक, आपके दर्द से अधिक, आपके अपमान से अधिक, आपके नुकसान से अधिक, आपको मिले हुए तानों से अधिक, अगर आप परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देते हो तो वो वचन का परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में अब्राहम के आशीष के द्वारा आपके जीवन में यीशु के नाम में उंडेल देता है। आमेन, हालेलुया। और अब्राहम के बाद आती है इसहाक की बारी। अब जब इसहाक की बारी आती है तो इसहाक के बारे में हमने पिछले शनिचार से उसके पिछले शनिचार को कुछ बातों के ऊपर आपका ध्यान मैंने बताया था, लेकिन जो समय मुझे दिया गया है शायद एक 10 मिनट बचे हुए, इन 10 मिनटों में हम उत्पत्ति का जो 26 अध्याय है यहाँ पर अकाल की परिस्थिति में परमेश्वर ने इसहाक को पहले आज्ञा दी, बड़ा अकाल गिरा था। बाइबल कहती है कि इब्राहिम के जमाने में जैसे अकाल पड़ा था ये अकाल उससे थोड़ा भयानक था, दुखदायक था। अब उस अकाल के दिनों में एक बड़ी संख्या गरार नाम के पलिश्तियों के अभिमलेख के देश को छोड़कर मिस्र की ओर जा रही थी, और वहां पे बाइबल कहती है कि इसहाक भी शायद अपने परिवार को लेकर, हालात को देखकर, जो भौगोलिक समस्या उसको देखकर, अपने परिवार की रोटी और पानी के लिए वो भी शायद वो मिस्र की ओर जाने की तैयारी भी था, जैसे वो निकलने की तैयारी भी था। बाइबल कहती है खुदावन ने उसे आके दर्शन दिया और कहा इसहाक मिस्र में मत जा, आज्ञा आई मिस्र में ना जाने की और प्रतिज्ञा आई अगर तू मिस्र में नहीं जाएगा तो मैं तेरे संग रहूंगा। नंबर 1 प्रतिज्ञा, नंबर 1 वचन में पहले आज्ञा आई और उसी वचन में उसके लिए प्रतिज्ञा आई, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं ये सारा देश तेरे वंश को दूंगा, जो एग्रीमेंट जो कवर्नेंट जो शपथ मैंने तेरे पूर्वजों से खाई थी मैं तेरे साथ तेरे बाप के साथ खाई थी उसे मैं तेरे साथ पूरा करूंगा। और आगे कहता है कि तेरा वंश तारांगन से भी मैं अधिक करूंगा और ये पृथ्वी पर की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य कहेगी। ये 6 प्रतिज्ञा आई, लेकिन ये 6 प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए एक आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी था। और सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को ठीक से पानी नहीं है, पराए लोगों के देश में है, वहां पे एक किराएदार के समान इसहाक और उसका परिवार है। और इन परिस्थितियों में वचन आता है, शायद मुझे आपको बताना है इन दिनों में आप फाइनेंशियल क्षेत्र में आपके बरकत में अकाल पड़ा होगा और आपके दिमाग में शायद एक ख्याल आएगा या दुष्ट ऐसी कुछ योजनाएं या युक्तियां बनाएगा, गलत रीति से आपको धन बटोरने के लिए तैयार करेगा। लेकिन जब खुदा का कलाम आपसे कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी
गलत राह से पैसा मत कमा। अगर तुझे प्राप्त करना है ईमानदारी से और खुदा की मर्जी से कमा। भले लोग करोड़ों कमा रहे उनमें उसको आनंद नहीं है, लेकिन मैं तुझे हजारों दूंगा उसमें तू आनंदित होगा। आमीन। इसहाक के सामने एक चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती थी। वो चुनौती में एक साइड में उसके बच्चे भूखे हैं, बीवी ताने मार रही होगी, एक साइड में उसका परिवार कष्ट में है और दूसरी साइड में वचन का पालन करना है। एक चुनौती का सामना इसहाक ने इतना अच्छी तरीके से किया। उसने अपने परिवार को पूरी तरह से कंट्रोल में लिया और कहा, अगर मैं आज्ञा पालन करूंगा, अगर मैं और आप अगर मिस्र में नहीं जाएंगे, शायद मिस्र में जाकर हम थोड़ा दिन सरवाइव करेंगे, हमें रोटी मिलेगी, पानी मिलेगा, लेकिन हमारे संग रहने वाला वो हमारे साथ नहीं रहेगा। उसे परमेश्वर का संग रहना और परमेश्वर की मौजूदगी का जो महत्व है ये उसे अच्छी तरीके से पता था, क्योंकि उसका बाप इब्राहिम खुदावन के संगति में हमेशा रहता था। आज आपको क्या चाहिए? संगति चाहिए या दौलत चाहिए? संगति चाहिए या बड़ा नाम चाहिए? खुदावन की संगति चाहिए या अपना बड़ा स्थान चाहिए? क्या चाहिए? एक गीत बहुत सारे वर्षिप में कुछ साल पहले गाया जाता था, अभी कोई नहीं गाता है वो। ना तख्त चाहिए ना ताज चाहिए, ना तख्त चाहिए ना ताज चाहिए, मसीह तुझ में जीने की आस चाहिए, मसीह तुझ में जीने की आस चाहिए। लेकिन आज के डेट में आध्यात्मिक क्षेत्र के हो या सामाजिक क्षेत्र के हो, उन्हें तख्त और ताज के लिए वो अपने रिश्ते नातों को कुचलते हुए, उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करते हुए उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं। लेकिन धन्य वे मसीह लोग जो अपने जीवन को एक बलिदानी मसीह जीवन बनाते हैं, जिन्हें थोड़ा लेट मिलता है लेकिन उन्हें बेस्ट मिलता है। आमीन। खुदावन इन दिनों में हमें चाहता है कि हम इसहाक के स्पिरिट में चले। इसहाक का रोल खत्म हुआ, इसहाक का अकल खत्म हुआ, इसहाक खुदावन के राज्य में चला गया, लेकिन अभी समय यह है। खुदावन देख रहा है कौन है इस अकाल में, इस कोरोना वायरस में, इन दो सालों में जो फाइनेंशियल क्षेत्र बरकत का अकाल है, शांति का अकाल है, चंगाई का अकाल है, आनंद का अकाल है, सम्मान का अकाल है, संगति का अकाल है, इन अकालों में कौन है जो मिस्र में नहीं जाएंगे? उसी जगह पर खुदावन की आज्ञा का पालन करते हुए, उसने दी हुई प्रतिज्ञा को देखते हुए कौन है जो अपना जीवन खुदावन को सौंपेगा? मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा। आशीष मतलब बड़ा धन नहीं, आशीष मतलब सैटिस्फैक्शन, समाधान। अगर मेरे पास धन दौलत है, रिश्ते नाते, लेकिन अगर मेरे अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो मैं रिश्ते नाते और धन दौलत होने के बावजूद मैं अनाथ या भिखारी हूं। लेकिन मेरे पास जितना है, मेरी परिस्थिति जैसी है, भले एक वक्त खाने के लिए नहीं है, लेकिन मैं खुदावन में समाधानी या सैटिस्फाइड हूं, तो मैं इस संसार का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हूं। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानी 13:5 में, तुम्हारा बिहेवियर या तुम्हारा जीवन लोभ रहित हो तो वो कहता है तुम्हारे पास जितना है उतने में संतुष्ट रहो, समाधानी रहो, सैटिस्फाइड रहो, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। अकाल के समय में इसहाक समाधानी था। क्यों समाधानी था पता उसको? क्यों प्रसन्न था पता है वो? क्योंकि उसको पता है जिस परमेश्वर ने आज्ञा दी है, अगर मैं उस आज्ञा पालन पर अगर खरा उतरता हूं, तो वो परमेश्वर निश्चय मेरे संग रहेगा और मेरे परिवार को आशीषित करेगा। भले लोग मिस्र में जाकर खारे पीले होंगे, लेकिन मेरा खुदावन मेरी जरूरत इस अकाल में, इस करार देश में पूरा करेगा। आज आप कौन से अकाल में हो? चिंता मत करो। अकाल में इसहाक को दर्शन देकर आज्ञा प्रतिज्ञा देने वाला यीशु मसीह इब्रानी 13:8 के अनुसार कल आज युगान युग एक समान है। बहुत बड़ी चुनौती का सामना इसहाक को करना पड़ा। इसहाक ने उस चुनौती का सामना करते हुए उसे एक अंतरंग में अपने आत्मिक जीवन में एक युद्ध लड़ना पड़ा। उसको परिवार को संभालना पड़ा, समझाना पड़ा, अपने आप को संभालना पड़ा। उसको शायद कुछ दिनों तक रोटी नहीं मिली होगी, पानी नहीं मिला होगा, लेकिन वो प्रतिज्ञा को देखकर, क्योंकि उसको पता था उसका बाप 100 साल की आयु तक
25 साल तक प्रतिज्ञाओं को देखकर जी रहा था, इसीलिए उसको पता था 25 साल में मेरा जन्म मेरे बाप के द्वारा हुआ। और उसके रगों में इब्राहिम का खून दौड़ रहा था, वो खून उसको वहां पे बवाल मारते मारते उछाल मारते मारते कह रहा था, इब्राहिम का खून में एक क्वालिटी थी कि वो धीरज से इंतजार कर रहा था। आज आप इंतजार करोगे प्रतिज्ञा को देखकर, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो अपने वायदों को जानता है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को जानता है। मैंने मेरे बेटे के साथ बेटी के साथ कौन सा वायदा किया है उसे वो हर हालात में निभाता है। क्या इन दिनों में हालात गंभीर हो रहे, परिस्थितियां हाथ से चले जा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो भी उसकी प्रतिज्ञा को देखो और कहो, तूने मुझे कुछ नहीं तो सिर बनाया है, नीचे नहीं तो ऊपर मिटाया है, जरूर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला मैं आज्ञा पालन करूंगा, मुझे विश्वास है जरूर एक दिन मैं सिर के ऊपर के आशीष पाऊंगा या पाऊंगी। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी बातें इसहाक के जीवन से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेरा टाइम हुआ है, बहुत सारी मुश्किलात आए इस सेशन को शुरू करने के लिए, इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाया। इसहाक कैसी कैसी चुनौती का सामना उसको करना पड़ा अगले सेशन में हम देखेंगे। ऑलरेडी इस प्रचार को मैंने अलग विषय में लिया था, लेकिन इस विषय को लेकर मैं बताना चाहता हूँ, एक वचन आपको पढ़वाना चाहता हूँ, लुका रचित सुसमाचार उसका 14 दिया है और वचन 25 में यीशु मसीह ने क्या कहा। पुराने नियम में यीशु मसीह का एक सच्चा चेला हमें इसहाक इब्राहिम और याकूब के जीवन से दिखता है। क्या कहा था यीशु मसीह ने, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता पत्नी बच्चे भाइयों और बहनों वगैरह अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसहाक ने अपने प्राण को भी अप्रिय जाना कि भले आप में भूख से मर जाऊं, मैं मेरे बच्चों की हालत वैसी होगी, लेकिन मैं आज्ञा पालन करने में मैं समझौता नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं प्योर आज्ञा पालन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं प्योरली आज्ञा पालन करूंगा तब मुझे प्योरली प्रॉमिस मिलेंगे और वो प्रॉमिस देने वाला मेरे संग रहेगा, अगर वो मेरे संग है तो मेरे लिए वो सब कुछ प्रबंध करेगा। आमीन। आगे दिया है, जो कोई अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे न आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर हम क्या रिश्ते नाते को त्याग दे, नहीं, मैंने कहा मसीह जीवन का फाउंडेशन, मसीह जीवन का प्रिंसिपल क्या है, प्रथम स्थान खुदावन और उसके वचन को, दूसरा स्थान खुदावन के साथ अपना रिलेशन, तीसरा स्थान अपना परिवार, चौथा स्थान कलीसिया और पांचवा स्थान आपके कामकाज। ये प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आए ना तो आप एक सच्चे मसीह ठहरोगे, आपको बलिदान करने के लिए कोई भी दुख नहीं होगा। जैसे इसहाक ने अपने प्राण को अप्रिय जाना, अपने रिश्ते नातों से अधिक वहां पर दर्शन देने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए वो मिस्र में नहीं गया, उसी देश में रहा और उसका नतीजा क्या हुआ, जहां पर उसने बोया खाने को नहीं था, पीने को पानी नहीं था, वहां पर खुदावन ने उसे 100 गुना आशीषित किया। क्यों? हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि परमेश्वर हमारे संग है। अगर वो हमारे संग है ना तो जंगलों में मन्ना मिलेगा, चट्टानों से पानी आएगा, आसमान से मन्ना आएगा, समंदर दो हिस्से में फटेगा, यर्दन दो हिस्से में फटेगी और प्रतिज्ञा के देश में वो लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में नीचे मिस्र में मत जाओ, यह आज्ञा आपके और मेरे लिए, मिस्र मतलब संसार, दुनिया के तौर तरीके, दुनिया की गुलामी, जिस गुलामी से हमें छुड़ाया है, थोड़ी बहुत भूख मिटाने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करने के लिए, मिस्र में मतलब गुलामी में मत जाओ, जहाँ पर आप हो वहाँ पर परमेश्वर में बने रहो तो वो आपके संग रहेगा और इसहाक के नहीं आपको भी आशीषित करेगा, जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में आया नहीं, ऐसे अद्भुत अलौकिक बातें आपके जीवन में भी करेगा, जिसके द्वारा लोगों को समझ में आएगा कि तुम्हारा और मेरा परमेश्वर जीवित ही नहीं तो वो जीवित परमेश्वर हमारे संग है। आमीन। खुदावन करे इस वचन के द्वारा जो प्रोत्साहन आपको मिला है, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे और महिमा से महिमा में लेकर जाए।
इस मैसेज को हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने प्रिय लोगों में शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।